देखते हैं इस ट्रिक को। फर्स्ट वर्ड है आपका साइनोशोर। फर्स्ट वर्ड क्या है आपका? साइनोशोर। साइनोशोर का मीनिंग होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं आपको बोल दूं साइनोशोर, इसका मीनिंग होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आपको नहीं याद होगा, डेफिनेटली आप एक या दो दिन में भूल जाएंगे। देखो इसको किस ट्रिक से याद करेंगे। शोर है वह साइन करेगा, शोर है वह साइन करेगा। जो शाइन करेगा वो क्या होगा? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, सब उसके बारे में बात करेंगे। तो साइनोशोर क्या होता है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आप कभी भी नहीं बोलेंगे ऐसे। नेक्स्ट आपका वर्ड है नियोफाइट। क्या है? नियोफाइट, अ पर्सन हु इज न्यू टू एनी एक्टिविटी। इसको हम याद करेंगे फाइट, नियो को नया, नया नया आया है फाइट करने के लिए, नया नया आया है फाइट करने के लिए। मीन्स अ पर्सन हु इज न्यू, वो बंदा जो नया है हर एक एक्टिविटी के लिए। थर्ड है आपका वेग। थर्ड है आपका वेग। वेग का मीनिंग होता है अनक्लियर। वेग को हम कैसे याद करेंगे? जैसे वेग किसको कहते हैं हम? जब हमारी तेज हवा चलती है उसको हम क्या कहते हैं? वेग। तेज हवा चलती है, आंधी चलती है, तो चीजें हमें क्लियर दिखाई नहीं देती, तो वेग का मीनिंग क्या होता है? अनक्लियर। वेग का मीनिंग क्या होता है? अनक्लियर। नेक्स्ट है आपका मुंडन। नेक्स्ट है आपका मुंडन। मुंडन क्या होता है? डल एक्साइटमेंट। क्या होता है? डल एक्साइटमेंट। मुंडन क्या होता है? गंजा होना। जब भी आप गंजे हो जाते हो, जब भी आप गंजे हो जाते हो और आपको बोलते हैं कोई काम की जाओ, आपको मैरिज में जाना है या आपको ये काम करना, मना कर देते हैं, मीन्स आपकी एक्साइटमेंट क्या हो जाती है? डल पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है। तो मुंडन को, मुंडन क्या होता है आपका? डल एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का कम होना जब भी हम गंजे हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारे फ्रेंड्स है वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। नेक्स्ट है आपका मॉर्न। नेक्स्ट क्या है आपका? मॉर्न। मॉर्न क्या होता है? फीलिंग सोरो। क्या होता है? फीलिंग सोरो, मतलब दुख फील करना, दुख को अनुभव करना। मॉर्न को हम करेंगे मॉर्न। मॉर्न कब होते हैं? जब हम अपसेट होते हैं। अपसेट कब होते हैं? जब हमें दुख होता है। तो मॉर्न को हम किससे करेंगे? मॉर्न। मॉर्न से क्या होगा? फीलिंग सोरो। नेक्स्ट है आपका मिग्रे। नेक्स्ट क्या है? मिग्रे, लैकिंग इन क्वांटिटी। लैकिंग इन क्वांटिटी हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं मिंगणे। मिंगणे से, मिंगणा क्या होता है? छोटा सा, मतलब जो सफिशियंट ना हो, जो छोटा हो, जो थोड़ा सा हो। तो मिग्रे को किससे याद करोगे? मिंगणे। मिंगणे क्या होता है?